तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन गाया एडवेंचर्स। और गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो एडवेंचर ये एक हैक है, रोम हैक है फायर रेड का, और ये बहुत ही अच्छा रोम हैक है। इसकी स्टोरी लाइन यार बहुत अच्छी थी, और ये गेम मैं एक्चुअली खेल चुका हूँ। लाइक इसका जो V2.5 वर्जन था, ये V3.2 है, तो उसे मैं खेल चुका हूँ। वो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे उसमें। मतलब मान लो रेजिगिगास और बाकी ये टाइटन से ना चलती है स्टोरी, तो देख, और उसमें मेगा एवोल्यूशन भी है, तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये काफ़ी फेमस गेम है, तो शायद से तुमने इसे पहले भी कहीं देखा हो। तो आगे देखते हैं, ये सब बकवास है। ये जो बंदा सामने खड़ा है, तुम लोग देख सकते हो, प्रोफेसर रेडवुड। मैंने आवाज़ थोड़ी और कम कर दिया, मैं डिस्टर्ब हो रहा था बोलने के लिए। तो हेलो देयर, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन। द नेम्स रेडवुड, आई एम अ पोकेमॉन प्रोफेसर। टी एव अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड एंड द क्रिएचर्स दैट इनहैबिटेड। आई एम ऑल्सो एन आर्कोलॉजिस्ट, अनरेवलिंग द पास्ट इज माई पैशन। तो ये खुदाई करते हैं, इनका पेशा है, इनका खानदानी पेशा। साइड इस कबूटा ऑफ पोकेमॉन, पोकेमॉन आर अवर फ्रेंड्स, पेट्स एंड वर्क पार्टनर्स। सो अभी तो ये बकवास ही कर रहे हैं, तब तक बकवास लगेगी यार जब तक ये अपन से अपना इंट्रोडक्शन नहीं मांगते। मैं बॉय हूँ यार, आवाज़ से शायद तुम्हें पता चल जाए, और नहीं पता चले तो बता दूँ मैं बॉय ही हूँ। मैंने यार कभी गर्ल वाला वो ये किया है, क्या कहते हैं, अवतार, कभी ना कभी करूँगा यार। और जोएल मैं अपना नाम रख देता हूँ। तो इसकी भी यार एक कहानी है, मेरा असली नाम जोएल नहीं है, लेकिन सीरीज चली थी यार बोला कम्पुक नाम की, तो उसका एक मेन कैरेक्टर था, तो इतना समझ लो मुझे बहुत पसंद आया था बस। और एक मिस्टीरियस आंटी आती है यार, याद है, तो वो अपन से ये वाली बुक मंगवाती है। तो पहले यार ये वाला पोशन ले लेता हूँ मैं, तो विड्रॉ आइटम इसको यार मैं साइड कर लेता हूँ। हाँ इधर पोशन को यार विड्रॉ कर लेते हैं, और ये वाली अपन किताब ले लेते हैं यार। अरे यार इधर ही रखते हैं इस वाली को यार, मैं किताब को ले लेता हूँ डन में इसका। और अगर यार मैं इसको पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ तो शायद नहीं पढ़ सकते हैं अपन इसे, ये कोई बहुत ही मिस्टीरियस किताब है, नहीं पढ़ सकते अपन। तो मम्मी जी के पास चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलने के लिए मेरे को परमिशन लेनी पड़ती है। मैं थोड़ा माना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मम्मी की बहुत परमिशन चाहिए। वी गॉट दिस मेल, इट वॉज एड्रेस्ड टू यू, हेयर रीड इट, गुड डे। चलो थैंक यू। यू रिसेंटली विड्रू अ बुक फ्रॉम द सिलेंटो लाइब्रेरी, प्लीज ब्रिंग इट विथ यू टू द रिलिक्वरी टेम्पल्स। आई विल वेट फॉर यू देयर, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। तो रिलिक्वरी रुइंस चलना है अपन को यार, तो और मम्मी जी ने टोक दिया। मम्मी ऐसे यार कोई जा रहा हो पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। ओ आई जस्ट रिमेम्बर, ट्राई दिस आउट, दे आर द रनिंग शूज आई बॉट फॉर यू, यू नो हाउ टू यूज देम। हाँ आता है मेरे को, जोल ट्राइड ऑन द रनिंग शूज, ये तो अपन ने ट्राई परफेक्ट फिट। ओके जोल, यू यू बी केयरफुल आउट देयर। हाँ मेरे पास तो कोई पोकेमॉन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना बड़ा हूँ कि अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो यार ये वाला जो रास्ता है, ये केबल कार का है, किसी सिटी में लेके जाता था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन असली रास्ता शायद से ये है। हाँ इसको चेक कर लेता हूँ यार, इसमें यार बहुत कुछ अपन को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ही। अरे यार ये बात क्यों नहीं कर, अरे बात तो किया करो यार। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी समथिंग लिव्स बीनीथ द टू टेम्पल, दैट कैन बी टू दो श्योरली। यार जस्ट इमेजिन इस आदमी का दादाजी कैसे दिखता होगा। तो चलते हैं यार, ये जो बुढ़ी आंटी खड़ी है, इन्हें अपन को बुलाया है तो, और एक पोशन और मिल गया यार अपन को। अरे यू टुक योर टाइम, दीज टोटम पोल्स आर फैसिनेटिंग आर दे नॉट। हाँ है, तो फॉर ईयर्स दे हैव स्टूड हेयर एंड नोबडी ट्रूली नोज वॉट फॉर, दे वर सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द एल्डर्स ऑफ। इनफ अबाउट डेट दो, आई कॉल्ड यू हेयर बिकॉज ऑफ द बुक इन योर पोजेशन, इट डजेंट बिलोंग टू द लाइब्रेरी, इट एक्चुअली अ फैमिली हेलूम ऑफ माइंड, आई बिलीव द लाइब्रेरियन स्टोल इट फ्रॉम मी, अंडरस्टैंड इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई नीड इट बैक, वुड यू बी सो काइंड। नहीं, वॉट,
In that case, I challenge you to a Pokemon battle. Oh, you have no Pokemon. I suppose you are going to have to hand it over, won't you? यार अब ये जबरदस्ती कर रही हैं तो दे देते हैं. Thank you very much. Now I have business to do, but you have helped me greatly. I'll be sure to scold that librarian when I see him next. Farewell, child. So यार ये वाले जो है, ये जो बड़े आदमी थे ना, अपने elders, मतलब काफी सज्जन आदमी, उन्होंने इनको बनाया था, पता नहीं क्यों, किसी को नहीं पता. तो इधर भी यार थोड़ा चेक वेक कर लेते हैं, काफी सारे ऐसे पत्थर है, ऐसे शायद कुछ निकले. एक पोशन मिल गया. क्यों मैजिक का मेरे को बिल्स यार, और टाइप पोकेमोन की जरूरत है मुझे. गैरडोज यार कितनी मस्त लगती है. तो मम्मी जी के पास चलते हैं. मम्मी यार वैसे ही आ गई. डिड यू मीट अप विद दैट लेडी? शी टुक योर बुक? दैट्स स्ट्रेंज. एनीवे, आई रियलाइज यू कुड हैव बीन अटैक्ड बाय वाइल्ड पोकेमोन जस्ट नाउ. दैट वाज सॉर्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ मी, वाजंट इट? आई गॉट गुड न्यूज. अ पोकेमोन प्रोफेसर इज गिविंग द पोकेमोन इन द लाइब्रेरी. यू शुड गो एंड चेक इट आउट. इट्स अबाउट टाइम यू गॉट योर ओन पोकेमोन. यार ये जो मेरी मम्मी जी है ना, काफी नादान है यार. पीछे से टोकती हैं, दही चढ़ा के नहीं बेचती हैं, और रनिंग शूज देती है. नहीं, रनिंग शूज तो ठीक है चलो, लेकिन यार बताती नहीं है कि पोकेमोन से बचना. मैं छोटा सा 10 साल का बच्चा हूँ यार, मुझे क्या पता वाइल्ड पोकेमोन मुझे अटैक कर देगा. और काफ़ी परेशान करती हैं यार ये. तो ये अपने प्रोफेसर रेडवुड है, अभी अभी मुलाकात हुई थी. हेलो प्रोफेसर, एट लास्ट अ थर्ड पर्सन. मेरा वेट कर रहे थे. आई थॉट मोर पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन सी पोकेमोन. ऑब्वियसली नॉट. My name is Professor Redwood. As you may know, I am the Pokemon Professor of the Optus region. I have come here to Cilindro Town today to stand. You see, I am getting quite old. I can't keep up with the fieldwork of research necessities. For that reason, I need helpers. तो ये लड़की काफ़ी एटीट्यूड वाली थी यार ये, लेकिन शायद ये बंदा और मैं प्रोफेसर की हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. वेल देन, और फिर का पोकेमोन मिल रहा है तो क्यों नहीं लूँगा. मेरे को पोकेमोन चैम्पियन भी बनना है. I guess that prospect doesn't appeal to everyone. That leaves you two with the choice of these three rare Pokemon. Please go and choose. Tosh, ye apna rival hai yaar. You can choose first. Okay. फिर जो मैंने पिछली बार जो मैंने ये मैंने बताया तुम लोगों की, मैंने V2.5 वाला खेला था, मैं उसमें चिमचार को ही चुना था. और उसमें मेरे को यार एक एडिशनल स्टार्टर भी मिला था, वो आईविसोर शायद था. आईविसोर या बल्बासोर मेरे को कुछ मिला था. फिर उसे ट्रेन करके मैंने मेगा इवॉल्व किया था. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना यार, थोड़ा थोड़ा अपने उसके जैसा है. क्या कहते हैं उसे, वो एक्स एंड वाई जनरेशन 6 के गेम्स, उसमें यार अपन को दोनों टाइप में चूज करने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है. लेकिन इसमें इसके हिसाब से मिलता है. तो अगर मैं वाटर वाला चुनूंगा तो मुझे फायर मिलेगा, और फायर मतलब चार्जार्ड मिलेगा. तो मेरे को यार, मैंने कभी चार्जार्ड को मेगा वॉल्व नहीं किया है, और चार्जार्ड एक्स वाला यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है. तो अपन उसे बनाएंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा. तो मैं सीधा सीधा इस पेपलप को चुन लेता हूँ. तो पेपलप को चुन लिया यार अपन ने. तो केयरफुल नेचर का है यार ये, और इसको निकनेम हम कौन. तो यार इस बार मैंने सोचा है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, और इस बार मैं थीम्स पे रखूँगा, जैसे कि एवेंजर्स और बेन 10 वगैरह, ये अपनी थीम्स होती थी. इस बार मैंने सोचा है कि मैं वो एवेंजर्स पे रखूँगा, और इस बंदे का नाम मैं रखूँगा अल्ट्रॉन. अल्ट्रॉन यार काफ़ी अच्छा था, मुझे उसके दोनों वर्जन यार काफ़ी अच्छे लगे थे. मी फीमेल भी, फीमेल वाला तो यार बहुत ही हटके था. अगर तुमने देखा हो तो यार कमेंट में मेरे को बताना कैसा लगा तुम्हें फीमेल वाला वर्जन. ऑफकोर्स यार फीमेल, अगर लड़की हो तो फीमेल वाला ही पसंद आएगा तुम्हें. तो वो काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी ताकतवर विलन में यार उसको गिना जाता है. तो हाँ, और अपना जो एम्पोलियन है वो भी स्टील टाइप है, उसकी ऐसी बॉडी है, तो मैंने रख दिया. एनीवे फ्रेंड्स, टू रन मीट मी एट माय हाउस इन आर्चन टाउन. ओके, तो आर्चन टाउन चलना है अपन को. तो इस बंदे ने उससे अपना नाम पूछा है, मतलब इसका नाम हमें रखना है. तो जॉन रख देता हूँ यार. जॉन जो था वो उसी बोला कम बुक मूवी जो कि हिंदी में रिलीज हुई थी रोबो किक्स नाम से, में था, और वो हीरो था यार उसका. तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे को जोइल पसंद आया, तो मैंने जोइल रखा था. और एक्चुअली में वो जोइल था मेरे ख्याल से, लेकिन मैं जोइल रखता हूँ यार, जोइल ज़्यादा अच्छा लगता है. मेरे गेम्स है ना, मैंने उसी में जोइल रखा है. लाइक
मैंने जब वो मूवी देखी थी ना, तब मैं अपना पहला पोकेमॉन गेम खेल रहा था, पोकेमॉन क्रिस्टल वर्जन। तो पोकेमॉन क्रिस्टल वर्जन में मैंने अपना नाम जोल रखा था, और मैं जोल ही रखता जा रहा हूँ अब तक। यार रिकॉर्ड है, मैंने जोइल ही रखा है। तो चलते हैं यार। और क्या, कौन सा पोकेमोन आ रहा है? जिगजागून आ गया यार। जिगजागून को अपन चार रखते हैं अब, एक एचएम स्लीव की तरह, लेकिन शायद मैं नहीं रखूँगा अभी। और जल्द से जल्द अपन अपने रेडवुड के घर पे चलते हैं यार। और एक और पोकेमोन अपनी जर्नी में इंटरप्ट करने के लिए आ गया है, लेकिन हम नहीं रुके। तो यहाँ से भी रन कर दिया यार मैंने, और चलते ट्रेनिंग कर रहा हूँ यार। मतलब यार ऐसे यार, ये अच्छी बात नहीं है कि अपन राइवल से यार अपन लड़ेंगे, और उसके उसका पोकेमॉन 5 का, मेरा लेवल 8 का। तो हाँ, ये वाला ही यार उसका घर है अपने रेडवुड प्रोफेसर का, तो चलते हैं। हाँ हेलो प्रोफेसर, आज वेल यू मेड इट। जॉन एंड आई वर जस्ट डिस्कसिंग द गिफ्ट्स आई हैव फॉर यू। लाइक आई सेड एट सेलेंटो टाउन, आई नीड हेल्प एट द मोमेंट, दो द टू ऑफ यू आरंट प्रिपेयर्ड। हाँ, इतनी जल्दी प्रिपेयर हो गए हम? चलो ठीक है। सो टू गेट यू स्टार्टेड आई मेड यू दीज, आर यू योर वेरी ओन पर्सनल केयर पैकेजेस। टेक योर जोएल, ऑब्टेन द केयर पैकेज, एंड योर जॉन, गो एंड ओपन देम। तो शायद से यार अपन को बैग से खोलना पड़ता है, बैग से खोलना है उनको। तो यूज़ करते हैं। हाँ तो यूज़ कर लिया यार अपन ने। ऑप्टस का पोकेडेक्स मिल गया यार, और रेडवुड कार्ड मिल गया। रेडवुड कार्ड क्या होता था मेरे को याद नहीं है। टाउन मैप से यार अपन को नेविगेशन में हेल्प होती है। पूछते हैं यार, क्वाइट द सेट ऑफ गियर नो। द ऑप्टस पोकेडेक्स रिकॉर्ड्स द डाटा ऑन पोकेडेक्स पिक्चर। द टाउन मैप इज द मैप ऑफ द ऑप्टस रीजन, इट्स हैंडी फॉर नेविगेशन। द रेडवुड कार्ड ऑफिशियली मेक्स यू मेम्बर ऑफ माई रिसर्च टीम। तो अपन इनके यार असिस्टेंट या फिर एड्स कहूँ मैं, तो वो कहें उनके ऑफिशियली, तो ठीक है। एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, प्लीज टेक दीज, ऑब्टेन द पोकेबॉल्स। पोकेबॉल्स मिल गई, चलो पोशंस भी मिल गए। तो पोकेमॉन मार्ट से अपन और भी खरीद सकते हैं, ठीक है। दे आर वरिंग मी, तो कुछ इन्होंने कहीं मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी। लेकिन जो ऐसा कि हड़प्पा सभ्यता थी, तो कहा जाता है ना कि कुछ बाढ़ वाड़ आई थी और वो चली गई थी, अर्थक्वेक आए थे, तो ऐसा इनके एल्डर्स के साथ भी हुआ शायद। द एल्डर्स वर वाइप्ड आउट बाय सिमिलर अर्थक्वेक्स। तो हाँ, ऐसे के पास अर्थक्वेक आए थे, तो ये काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है यार अपने लिए। तो ठीक है। तो आर्चिन टनल, आर्चिन टनल में मिलने को कही है यार इसने। तो वो पार्टनर्स बन चुके हैं, तो ठीक है। तो बंदे ने यार मेरे को आर्चन टनल पे मिलने को बुलाया है। निडोरेन को ट्रेन करो क्या भाई साहब? सेरस पाथ इज होम टू मैनी निडोरेन, सम आर ब्लू अदर्स आर पर्पल। तो यार ये वाला फीमेल था, वैसे मेल होते हैं। हाँ तो ये क्या है? एशियन टैबलेट वॉज कंस्ट्रक्टेड मैनी ईयर्स अगो, इट अपीयर्स टू पोर्ट्रे द पोकेमॉन रेलिकेंट। ये रेलिकेंट की टैबलेट यार बहुत सही लग रही है। क्रैक्स रन थ्रू दिस इंट्रिकेटली डिटेल्ड रॉक। मेरे को याद आ रहा है कि ऐसी और भी रॉक्स हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोकेमॉन है, तो पता नहीं यार कितनी रॉक्स हैं। रॉक्स नहीं, टैबलेट एक्चुअली। दे आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फोक टेल्स और द एल्डर्स बिल्ड द एशियन टैबलेट। आई वंडर इफ एनी ऑफ देम आर ट्रू। यार कुछ ना कुछ तो यार रिलेशन होगा, लाइक जो वो टोटम पोल्स थे और ये था। हाँ ये रहा बंदा। तो यार अपनी पहली बैटल के लिए अपन आते हैं, और लेट्स गो। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? ओ वेल इट डजंट। यार मैं थोड़ा घूम रहा था यार टाउन को, काफ़ी सुंदर है ये टाउन, और ये इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? ओ वेल इट डजंट मैटर, लेट्स हैव अवर बैटल, डोंट होल्ड बैक। तो यार मुझे लग तो नहीं रहा है कि पिपलब कुछ खास अच्छा कर पाएगा, लेकिन अपने पास पोशंस वगैरह भी है, तो हाँ। तो सबसे पहले यार मैं एक ग्राउल मार देता हूँ, अच्छा रहेगा यार, वो कमज़ोर, उसके अटैक हमको ज़्यादा। वाह, मैं ग्राउल कर रहा हूँ, ये डिफेंस कर रहा है, चलो ठीक है। पाउंड कर देता हूँ यार अब, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। हाँ एक और पाउंड, और कुछ नहीं हो पा रहा यार, मुझे एक और ग्राउल करना पड़ेगा यार, वरना अपन तो गए। हाँ तो ठीक है,
यार क्रिटिकल हिट, हाँ क्रिटिकल हिट जैसे ही बोला यार वैसे अच्छी बात है। और अभी तो अपन एक अच्छी खासी स्टेट में हैं, तो यार इसका एकदम से क्रिटिकल हिट नहीं पड़ जाए यार, वरना दिक्कत दिख जाएगी यार। मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ यार, थोड़ी और रिस्क लूँ क्या? चलो ले लेता हूँ, शायद अपन ब्लैकआउट हो जाए यार। आउट ब्लैकआउट जो भी होता है, जीत गए भाई, जीत गए बिना पोषण के, जीत गए यार। ग्राउल ने बचा लिया यार, सही हुआ यार। और तुरंत के तुरंत अपन लेवल 6 गए, तो काफ़ी अच्छी बात है। मेरे को याद है अपन जो शुरुआत के जो पोकेमॉन गेम्स होते हैं उसमें काफ़ी आसानी से लेवल अप हो जाता है, केवल शुरुआत में, बाकी में पता चलता है यार। जब तुम्हारा 30 लेवल क्रॉस करता है ना, तब ट्रेन करने में पता चलता है क्या होती है पोकेमॉन ट्रेनिंग। मुझे लगता है यार अगर एक स्पेसिफिक की मैं करूँ ना तो शाइनी निकल आएगा पोकेमॉन, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने यार मैंने कितने शाइनी एनकाउंटर्स किए हैं, मेरे को याद है यार। मैंने पोकेमॉन पता नहीं यार, मेरे कोई GBA रोम हैक थी, पता नहीं कौन सी थी अभी उसका नाम, उसमें यार कोई नॉइवन होता था, उसको अपन को बचाना पड़ता था, तो उसमें मैंने शाइनी वाला फॉर्म लिया था, तो उसमें यार मिला था। तो यार मुझे लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आज के एपिसोड के लिए, तो बाकी की बातें यार मैं अगली अगले एपिसोड में करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, और पसंद आए करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करना। मैं नया नया यूट्यूबर हूँ यार, ये सब बोलना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊँगा। तो ओके चलते हैं यार, गुड बाय।